हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल डॉक्टर दरबेश की एक नायाब देन है, जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बीमारी से निजात पा लें। अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर दरबेश के बताए नुस्खों से लाभ उठाना चाहते हैं, स्वस्थ और सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, मैं डॉक्टर दरबेश आप सबका स्वागत करता हूं। आज दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे जरूरी टिप्स जो आपकी हर समस्या को जो डे टू डे लाइफ में आप झेलते हो, फेस करते हो, जैसे खास करके गैस्ट्राइटिस है, एसिडिटी है, कंस्टिपेशन है, यानी पेट की समस्या। दूसरा मैं आपको बताऊंगा पेशाब की समस्या, यानी पेट की समस्या हो गया और आपका यूरिन संबंधित जितना भी समस्या है। ये दो चीज़ इस वीडियो में दोस्तों कवर करूंगा। एक्यूप्रेशर से भी बताऊंगा, आपको सीड्स थेरेपी भी बताऊंगा, साथ साथ कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे भी दूंगा। अगर आप अपने घर बैठ के सब इस्तेमाल करते हो तो डेफिनेटली दोस्तों आपको लाभ होगा। जो भी देख के करता है मेरा वीडियो वो सबको लाभ होती है, मगर डेडिकेशन आपकी ज़रूरत है, यानी डेडिकेटेडली अगर आप कोई भी काम करोगे दोस्तों इसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। ऐसे दोस्तों हजारों टिप्स हमने 10 साल मेहनत करके अपनी किताब माई हेल्थ इन माई हैंड में दे रखे हैं। आपको एक किताब ऑनलाइन अमेजन पे मिल जाता है, इसको आप ला के घर में आज हेल्थ डिक्शनरी इस्तेमाल करो। जिन्हें एक्यूप्रेशर से इलाज अपनी करनी है या किसी और की, वो भी आज रेफरल किताब इसको इस्तेमाल करें। और आयुर्वेदिक का नुस्खा घर बैठ के अगर आपको चाहिए, जो लगभग 2500 से ज़्यादा इस किताब में है, आप इसका इस्तेमाल करो। और हर तरह का लगभग बीमारी दोस्तों कवर किया गया है। यह है हिंदी, आपका हिंदी लैंग्वेज में 600 पेज की किताब है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये आपको लाभ देगा। दूसरा दोस्तों है ये अंग्रेजी किताब, जो लोग हिंदी नहीं पढ़ पाते हो उनके लिए है। कंटेंट सेम है और उम्मीद करता हूँ आप दवाई से दूर रहने के लिए जो प्रयास करना है वो प्रयास लगातार करते रहोगे और लाखों रुपया दोस्तों आप साल का बचा सकते हो। और बड़ी बड़ी बीमारी जो हमारे कंधे में बैठा है उससे भी दोस्तों बच सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। एक्यूप्रेशर से आप एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, कंस्टिपेशन और पेट का जो इंटेस्टाइन संबंधित जो भी समस्या है, हाजमा, ये सबको दोस्तों कैसे बेहतर कर सकते हो। तो पहला इसके लिए टिप्स है कि आप अपने दिमाग को दोस्तों ठीक रखो। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन यानी तनाव अगर रहेगा तो पेट में हाजमा ठीक नहीं होगा, यानी हजम करने की क्षमता दोस्तों कम होगी। टेंशन अगर आपको है तो आपका पेट खराब होगा। लगातार और क्रोनिक टेंशन अगर किसी को रहती है, अवसाद जिसे कहते हैं, स्ट्रेस एंग्जाइटी में अगर कोई बंदा रहता है तो उसका स्टमक ऑर्डर से बाहर चला जाता है। इसलिए ऑर्डर को लाने के लिए ब्रेन का पॉइंट हमेशा आप स्टिमुलेट करेंगे खाना खाने के पहले, यानी सुबह एक बार, बिस्तर से उठने के बाद दोपहर में एक बार, रात में एक बार। इस तरीके से दोस्तों आपको पॉइंट दबानी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके आप कम से कम 30 टाइम्स दोस्तों दबाइए इधर और 30 बार दोस्तों इधर। 30, 30, 60 हो गया। इसके बाद दोस्तों आता है आपका लीवर पॉइंट, राइट हैंड में दोस्तों यहाँ पे लीवर पॉइंट होती है, इसे भी 30-30 बार आपको दबानी है। सपोर्ट करने के लिए आप थायराइड ग्लैंड को भी 30-30 बार दबाइए। यहाँ पे पॉइंट नंबर 8 होता है, किताब आज रेफरल आप देखोगे फोटो के साथ है दोस्तों, उसमें यहाँ देखो ये पॉइंट नंबर 8 है। तो ये सपोर्ट करने के लिए इसको भी 30-30 बार दोस्तों इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ दोस्तों क्या करनी है, जैसे किसी को भी यूरिन की भी समस्या है, पेट की भी समस्या है, यूरिन की भी समस्या है, अगर पेट की समस्या नहीं है, सिर्फ आपको पेशाब संबंधित समस्या है, तो दोस्तों आपको क्या करनी है ना, पहला तो दोस्तों किडनी को ठीक रखो। किडनी पॉइंट दोस्तों इधर होता है, इस तरीके से आप किडनी पॉइंट को दोस्तों स्टिमुलेट करिए, ऐसे इसको 30 बार दबाइए।
और उसी के नीचे यहां पर यूरिनरी ब्लैडर होता है, पॉइंट नंबर 18। ये हो गया आपका 26 नंबर पॉइंट, ये हो गया दोस्तों 18 नंबर पॉइंट। इसे भी कम से कम 30 बार दबाइए, 30 यहां और 30 यहां। साथ साथ जो पुरुष हो वो अपना प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए पॉइंट नंबर 11 दोस्तों इधर दबाइए, इस जगह पे, और फिर यहाँ पे उसी तरीके से किडनी के लिए ए एरिया को आप स्टिमुलेट करें और यहाँ पे पॉइंट नंबर 18 दोस्तों दबाइए। जैसे आपको मैंने कहा, जो दिमाग है हमारा वो यूरिन के समस्या के लिए भी आपको स्टिमुलेट करनी है 30-30 बार सुबह दोपहर रात, और लीवर का पॉइंट भी दोस्तों थोड़ा दबा दो। अगर यूरिन की समस्या है तो भी दोस्तों आपका पेट अच्छा रहना, लीवर अच्छा रहना दोस्तों जरूरी है, इसलिए लीवर पॉइंट नंबर 23 भी दोस्तों आपको दबानी है। तो इस तरीके से दोस्तों एक्यूप्रेशर के माध्यम से आप अपना किडनी, यूरिनरी ब्लैडर और साथ साथ आपका प्रोस्टेट, इस ग्लैंड को आप अच्छा रख सकते हो। जो भी अल्ट्रासाउंड करने से देखते हो कि 20-25 ml से ज़्यादा आपका यूरिन बचा रह जाता है, किसी का 50 ml, किसी का 70, किसी का 100 ml, तो दोस्तों वो एनलार्ज्ड प्रोस्टेट बल्कि कहा जाता है। तो कई बारी कैंसरस भी हो जाता है और आपका ऐसे भी बढ़ जाने से जो प्रोस्टेट काफ़ी तकलीफ होती है, यूरिन रोक नहीं पाता आदमी, बार बार यूरिन करने को मन करता है, ड्रॉप ड्रॉप हो गया यूरिन होता है, जाते जाते वॉशरूम रास्ते में पेशाब हो जाती है। उसी तरीके से पुराना कंस्टिपेशन भी अगर रहता है तो भी दर्द बढ़ता है शरीर में, कमर दर्द होना, जॉइंट पेन होना, घुटने में दर्द होना। दर्द से आपको अगर मुक्ति चाहिए तो पेट को भी दोस्तों अच्छा रखो। पेट अच्छा रहने के लिए एक तो हो गया दोस्तों, जैसे आपको मैंने बता दिया है, सारा पॉइंट दबाएंगे और साथ साथ दोस्तों गैस का पॉइंट जरूर दबाना। जब भी आपको टाइम मिलता है कम से कम तो 3 बार तो करना ही है। यहाँ गैस का पॉइंट, उसके नीचे है पॉइंट नंबर 27 स्टमक का पॉइंट। तो इस तरीके से आप अगर दबाओगे 27 नंबर इधर से स्टिमुलेट हो गया और इधर से गैस पॉइंट हो गया, दोनों दोस्तों ऐसा ही है। एक काम दोस्तों और करिएगा, जिससे भी बहुत ज़्यादा गैस्ट्राइटिस की समस्या रहता है वह, इस तरीके से गैस का जो पॉइंट है काली मिर्च लें और इस तरह का टेप, इसको काइनेसोजी टेप कहते हैं, ये आपको ऑनलाइन अमेजन पे मिल जाएगा, या फिर माइक्रोपोर टेप भी व्हाइट वाला भी इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे आप प्रयोग करें, ये लगा के आप छोड़ो, पूरा रात भी दोस्तों ऐसे लगा के आप छोड़ सकते हो या दिन में भी पूरा रख सकते हो। इधर एक लगाइए, सेम दोस्तों आपको इधर भी लगानी है, यानी एक इस्तेमाल यहाँ कर लो और एक इस्तेमाल यहाँ कर लो, एक करके आपको दिखाया दोस्तों। आप देखोगे पुराने से पुराना कंस्टिपेशन, गैस्ट्राइटिस की बीमारी बिना दवाई के, ये बटल ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, हर हफ्ता जाके आपको मेडिसिन स्टोर से आपको टैबलेट्स नहीं लानी है, आपको बटल खरीदनी नहीं है। मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, जो हमारे घर में एक आदत है कि लाल पीले सब ला के हम रखते हैं और हर खाना खाने के बाद 2 ढक्कन पी लेते हैं, या फिर खाली पेट 1-2 टैबलेट लेने के लिए डॉक्टर हमेशा हमें सलाह देते हैं। ये सबसे बचने के लिए दोस्तों आप ये फार्मूला अपनाइए कि सिर्ट थेरापी और एक्यूप्रेशर दोनों के माध्यम से आप अपना पुराने से पुराना गैस्ट्राइटिस को दोस्तों ठीक कर सकते हैं। एक इधर लगानी है, एक इधर लगानी है, और जैसे एक्यूप्रेशर बताए ये आप जरूर करो। साथ साथ दोस्तों एक काढ़ा बता देता हूँ, उसका इस्तेमाल करो जिससे आपका पेट दोस्तों खुलकर सुबह सुबह साफ होगा। इसके लिए करना क्या है दोस्तों, रात में आपको धनिया, रात को 2 चम्मच आपको धनिया 1-1.5 ग्लास पानी में कांच के बर्तन में भिगो के रखना है। सुबह आप इसको अच्छे से उबालें और जब उबालते हो तो थोड़ा से 1 इंच का अदरक इसमें कूट के दोस्तों डाल दो, और 2 तेजपत्ता भी चाहो तो छोटे छोटे टुकड़ा उसका करके उसमें डाल दीजिए, और 1 बड़ी इलायची, यानी धनिया के साथ हमने जो प्रयोग किए, 1 बड़ी इलायची ले कूट के डाले, 1 इंच का अदरक डाले और 2 तेजपत्ते को छोटा छोटा टुकड़ा करके उसमें उबाल दिए। मेन जो चीज़ है दोस्तों वो है धनिया, ये आपके पेट को रखेगा साफ। इसको गुनगुने हालत में, जैसे आप छान लेके जब अच्छे से उबल जाए, छान के गुनगुने हालत में चाय की तरह दोस्तों सुबह सुबह आपको लेनी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्म की समस्या है, पेट गर्म आप महसूस करते हो, तो एक चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हो,
दो चम्मच जहां आप धनिया लिए हो, एक चम्मच दोस्तों उसमें आप सौंफ ले लीजिएगा। सौंफ क्या करेगा, आपके पेट को दोस्तों ठंडा रखेगा। दो छोटा चम्मच आपका जैसे धनिया हो गया, तो एक उसमें बड़ा चम्मच मिला दीजिए सौंफ। इससे क्या होगा, ठंडा गर्म दोस्तों एडजस्टमेंट अच्छे से बन जाएगा और पेट आपका गर्म नहीं होगा, क्योंकि हर चीज़ अगर गर्म हो जाता है, कई बारी गर्मी के सीजन में दिक्कत होती है, अदरवाइज विंटर और बारिश में कोई दिक्कत नहीं है। सुबह एक कप आपको लेनी है, 10-15 दिन के बाद आप देखोगे धीरे धीरे खुल के आपका पेट एकदम साफ हो रहा है और आपका पेट हल्का लग रहा है, दिन भर आपको स्फूर्ति लग रही है। लास्ट जो टिप्स है दोस्तों, दिन भर पेशाब का जलन अगर किसी को रहता है, दिन हो या रात किसी को अगर पेशाब में तकलीफ रहती है, जलन रहता है और गर्मी में बहुत ज़्यादा रहती है, तो एक बढ़िया टिप्स देता हूँ, रात में 3 या 4 चम्मच सौंफ को 2 गिलास पानी में डाल के कांच के बर्तन में रखो, सुबह अच्छे से उबालो, उबाल के छान लो, छान के 2 चम्मच उसमें मिश्री मिलाइए, मिला के और उसमें 1 लीटर पानी मिला लो, नॉर्मल वाटर जो आपका फिल्टर्ड वाटर हो, उसमें लगभग 1.5 लीटर तक आप रखिए और दिन भर हर 1 घंटे में आप उसको पीते रहो। दोस्तों देखोगे, एक तो डिहाइड्रेशन आपकी नहीं होगी, गर्मी आपके ऊपर नहीं चढ़ेगा, पेट आपका पूरा साफ रहेगा। चौथा जो है सबसे बढ़िया चीज वो है दोस्तों, आपका यूरिन का जलन 3 से 4 दिन में दोस्तों खत्म हो जाएगा। 1 हफ्ता दोस्तों करके देखना, रिजल्ट आना दोस्तों निश्चिंत है। एक्यूप्रेशर करो, जैसे घर में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बताता हूँ वो करो, साथ साथ जैसे आज मैंने एसिड्स थेरापी बताया गैस्ट्राइटिस के लिए, इसका इस्तेमाल करो। यूरिन की समस्या और आपकी पेट की समस्या दोस्तों बिल्कुल होगा ठीक। सुबह दोपहर रात खान पीन को थोड़ा बैलेंस्ड करें, बासी खाना बिल्कुल ना खाएं और पानी जरूर हर 1 घंटा दोस्तों पिए, जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ। नारियल का पानी हो सके तो अल्टरनेटिव डे हो, या हर रोज अगर एक आप पी सकते हो तो ज़रूर पियो। अनार का जूस दोस्तों बीच में 12 बजे के आसपास जरूर लें, या फिर मौसमी का भी जूस ले सकते हो। इसके साथ साथ जो आपके पेट के साथ सूट नहीं बैठता है उसको दोस्तों अवॉइड करें। ऐसा अगर आप ज़िंदगी जियोगे तो एक सिंपल और बेहतरीन लाइफ आपका होगा और आपको अच्छा शरीर दोस्तों मिलेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप ये सारा टिप्स अपने जीवन में आप इस्तेमाल करो, यार दोस्त के बीच में शेयर करो, जो मेरे साथ जुड़े हुए हो वो लगातार इसका प्रयोग करते रहो, जिससे आप दवाई से अस्पताल से दोस्तों दूर रहो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।